नमस्कार बच्चों, आज हम फिन्स एंड फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके इसमें एक स्मॉल छोटा सा टॉपिक है। इस पर ज़्यादा तो बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, पर हाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये इजीली बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको छोटे शॉर्ट पॉइंट्स में आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें डायग्राम्स भी काफ़ी होते हैं। तो देखिए, फिन्स में सबसे पहले हमें ये देखना है कि फिन्स क्या काम करते हैं फिश में, फिन्स क्यों होते हैं। आपने देखा होगा कि हमेशा हम मछली बनाते थे तो फिन्स होते हैं, एक ऊपर जो उसका एक पंख सा निकाल देते हैं वो फिन होता है। तो ये बेसिकली जैसे कि हवाई जहाज़ में एयर का डायरेक्शन और उसको स्विम हवा में उड़ने में मदद करता है, सिमिलरली पंख जो होते हैं ना, जैसे हवाई जहाज के पंख हैं, सिमिलरली शिप फिशेस के जो फिन्स होते हैं, दे हेल्प इन स्विमिंग। और ये क्या है बेसिकली, दे आर फोल्ड्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, जो उनकी स्किन है उसके फोल्ड्स हैं, बेसिकली इंटेग्यूमेंट है, स्किन तो हम नहीं कहेंगे, इंटेग्यूमेंट के फोल्ड्स हैं जो कि सपोर्टेड हैं बाय फिन रेज, दे आर सपोर्टेड बाय फिन रेज। फिन रेज उनको सपोर्ट करती है तो उससे क्या होता है, दे डू नॉट लूज देयर पोजीशन, दे बिकम रिजिड, वाटर के फ्रिक्शन को भी झेल लेते हैं और वाटर के लेयर्स की जो मूवमेंट है उसमें भी ये डिसलोकेट नहीं होते हैं, अपने शेप और साइज बनाए रखते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिन्स, वन इज़ अनपेयर्ड मीडियन फिन एंड अदर इज़ पेयर्ड लेटरल फिन। जो ज़्यादातर मिडिल में पाया जाता है फिशेस के, दैट इज़ बेसिकली अनपेयर्ड फिन होता है, एक अकेला होता है, इसलिए पेयर नहीं होता, इसका जोड़ा नहीं होता है, तो ये अनपेयर्ड मीडियन फिन कहलाता है। और जो दोनों तरफ पाए जाते हैं वो ज़्यादातर पेयर्ड होते हैं, तो दे आर कॉल्ड पेयर्ड लेटरल फिन्स। ओके, नाउ पहला जो है मीडियन फिन्स, मीडियम फिन जो है जो कि ज़्यादातर अनपेयर्ड है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये इंक्लूड्स वन और टू डॉर्सल फिन। देखिए ये मीडियम फिन है, पूरा पूरा फिश को बीचों बीच, अगर हम फिश को लेटरली या डॉर्सो वेंट्रली देखें तो ये बीचों बीच फिश से निकल रहा है, फिश की बॉडी में से निकल रहा है। वन और टू डॉर्सल फिन्स का बना होता है अलॉन्ग विद द मिड डॉर्सल लाइन, मिड डॉर्सल लाइन के नीचे से, और उस मिड डॉर्सल लाइन के ऊपर ऊपर चलता है ये, ठीक है। वेंट्रल एनाल फिन बिहाइंड दी एनस, इसको अगर ये एनस के पीछे हो तो हम इसको वेंट्रल फिन कहते हैं या एनाल फिन भी कहते हैं। और टेल और कॉडल फिन कहते हैं इफ़ इट इज़ अराउंड द टेल, अगर इट इज़ अराउंड द टेल दैन इट इज़ कॉल्ड कॉडल और टेल फिन। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि टेल के पास है तो कॉडल फिन कहला रहा है और एनाल एनस के पास है तो वेंट्रल फिन कहला रहा है। ओके, सो दिस इज़ द मीडियन फिन विच इज़ मोस्टली अनपेयर्ड। दूसरे जो पेयर्ड लेटरल फिन्स हैं, ये देखिए ये पेयर्ड लेटरल फिन्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ये वाला है, एक पेल्विक फिन हो गया, एक पेक्टोरल फिन हो गया, ये सब लेटरल फिन्स हैं, ये एनाल फिन हो गया। तो ये जो पेयर्ड लेटरल फिन्स हैं इनमें ज़्यादातर कौन कौन से फिन्स आते हैं, पेक्टोरल फिन आता है जो कि एंटीरियर मोस्ट प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है यानी हेड के आसपास प्रेजेंट होता है। फिर पेल्विक फिन आता है जो पेल्विस के आसपास प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होता है। सो पेयर्ड लेटरल फिन्स ज़्यादातर दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया अगर एंटीरियरली प्लेस्ड है तो पेक्टोरल फिन हो गया, दिस इज ऑलवेज पेयर्ड, एंड इफ इट इज प्लेस्ड पोस्टीरियरली दैट इट इज पेल्विक फिन विच इज नियर द टेल। ओके, और हमने ये देख ही लिया कि जो मीडियन फिन्स हैं वो कौन कौन से हैं, या तो अगर वेंट्रल साइड पर है तो एनाल फिन कहलाते हैं, टेल की तरफ है तो कॉडल फिन कहलाते हैं, और डॉर्सल फिन भी इसमें मिड डॉर्सल लाइन पर अगर हो तो ये डॉर्सल फिन कहलाता है। सो दीज आर दी बेसिक टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फिन्स विच आर फाउंड इन ऑल द फिशेस। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिन्स, फिन्स जो हैं इनके क्या उपयोग हैं। सबसे पहले फिश को स्विम करने में हेल्प करते हैं, दे हेल्प द फिश इन स्विमिंग, दे मेंटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि डेफिनेटली दोनों तरफ होंगे तो लेटरल फिन्स हमेशा पेयर जो फिन्स हैं वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी रस्सी पे चलते हैं तो दोनों हाथों को अपने राइट एंगल में अपने सामने की तरफ या बाजू की तरफ फैला लेते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस मेंटेन होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है, या पोल पकड़ लेते हैं कई बार, ठीक है। कुछ फिशेस जो हैं वो फिन्स को लेग्स की तरह यूज़ करती हैं वॉकिंग के लिए, जैसे लंग फिशेस हैं, कुछ उनको ग्लाइडिंग के लिए यूज़ करती हैं जैसे फ्लाइंग फिश में होता है एक्सोसीटस में, फिसलने के लिए कुछ चलने के लिए। अच्छा, कुछ मेल्स ऐसे हैं जिनमें ये फिन्स जो हैं ये क्लैस्पर्स का काम करते हैं,
जो क्लैस्पर्स हैं दे आर नॉर्मली मेड अप ऑफ पेल्विक फिन्स एंड दे आर यूज्ड इन रिप्रोडक्शन. ओके, और नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है फॉरवर्ड प्रोपल्शन के लिए, आगे को धक्का लगाने के लिए. फिशेस जो हैं अपने आप को पानी से, जब जैसे नाव में चप्पू चलाते हैं हम तो नाव आगे की तरफ खिसकती है, सिमिलरली जब फिशेस के जो फिन्स हैं ये वाटर की लेयर्स को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और फिश आगे की तरफ खिसक जाती है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ फिन्स. नाउ टाइप्स ऑफ कॉडल फिन्स, जो टेल के पास पाए जाने वाले फिन हैं उनके कितने प्रकार होते हैं. सबसे पहला जो है वो है डिफाई सर्कल. डिफाई सर्कल का मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का फिन है. ये उन फिशेस में पाया जाता था जो आजकल एक्सटिंक्ट फिशेस हैं, या जो उस ज़माने की फिशेस होती थी, बहुत पुरानी जो फिशेस हैं वो प्रिमिटिव फिशेस में पाया जाता था, शुरुआती फिशेस में पाया जाता था. और इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है दैट एक्सटेंड्स स्ट्रेट बैक टू द टिप ऑफ द फिन. टेल की जो टिप है वहाँ तक वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड करता है. उससे क्या होता है, जो सिंगल कॉडल फिन था दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द अपर पार्ट इज नोन एज द एपी कॉडल एंड द वेंट्रल, और द लोअर पार्ट इज नोन एज द हाइपोकॉडल लोब. ओके, समझ में आ गया आपको. कॉडल फिन्स जो हैं उसमें सबसे पहला जो प्रकार है दैट इज कॉल्ड डिफाई सर्कल. डिफाई सर्कल जो कॉडल फिन है ये मोस्ट प्रिमिटिव फिशेज में पाया जाता था, यानी एक्सटिंक्ट, मोस्ट ऑफ द एक्सटिंक्ट फिशेज यूज टू हैव दिस काइंड ऑफ फिन. इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो फिश का वर्टिब्रल कॉलम है जो उसके स्पाइनल कॉर्ड से निकल के निकल रही है, रीढ़ की हड्डी जो है फिश की, दैट इज़ कमिंग एक्सटेंडिंग टू द टिप ऑफ द टेल, टेल की टिप तक जा रहा है. अब वहाँ जो फिन था, जो एक्चुअली में एक अनपेयर्ड सिंगल फिन था, बिकॉज ऑफ दिस वर्टिब्रल कॉलम विच एक्सटेंड्स टिल द टिप, इट गेट्स डिवाइडेड इंटू टू लोब्स. द अपर लोब इज नोन एज, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एपिकॉडल, एंड द लोअर लोब जो है और द वेंट्रल लोब इज नोन एज हाइपोकॉडल. ओके, सो दिस इज द डिफाई सर्कल, यानी दो भागों में बट गया है फिन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हीट्रो सर्कल. ये हम कॉडल फिन के टाइप्स पढ़ रहे हैं. हीट्रो सर्कल में क्या होता है, हीट्रो मीन्स वेन इट इज़ नॉट डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग साइज के पार्ट्स में डिवाइड होता है हीट्रो. अगर होमो सर्कल होता तो इसका मतलब ये बराबर दो भागों में, दो बराबर फिन्स में डिवाइडेड है. अब इसमें क्या होता है, हीट्रो सर्कल में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो टिप तक ना जाकर बेंड हो जाता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है एंड रीचेज अप टू द टिप ऑफ द मोर प्रोमिनेंट डॉर्सल लोब. जो डॉर्सल लोब मोर प्रोमिनेंट है उसकी टिप तक चला जाता है, जो छोटा सा लोब निकला हुआ है वहाँ तक नहीं जाता है, इट गोज़ टू द मोर प्रोमिनेंट डॉर्सल लोब. तो ये बेसिकली एक एसिमेट्रिकल कॉडल फिन है, और इसमें प्रोमिनेंट डॉर्सल लोब जो है उसके अंदर तो वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, और जो नीचे का छोटा सा एक बिल्कुल सबमिसिव या रिसेसिव किस्म का वेंट्रल लोब है, वहाँ पर कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता. ये कौन से फिशेज में पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन मॉडर्न इलास्मोग्रांस विच आर फाउंड इन बॉटम फीडर्स. बॉटम फीडर्स जो हैं, जो ज़मीन में रहती हैं, सतह पर रहती हैं समुद्र के, वहाँ पर पाया जाता है और मॉडर्न इलास्मोग्रांस में पाया जाता है. सो दिस इज़ अबाउट दी हीट्रो सर्कल. हीट्रो सर्कल में आपको समझ में आ गया, यहाँ जो कॉडल फिन है वो दो डिफरेंट शेप्स ऑफ या डिफरेंट साइज ऑफ लोब्स में डिवाइडेड होता है. एक तो बड़ा प्रोमिनेंट सा लोब होता है जिसको हम डॉर्सल लोब कह सकते हैं, एक बड़ा इंडिस्टिंग्विश्ड वेंट्रल लोब होता है. जो प्रोमिनेंट डॉर्सल लोब है उसके एंड तक वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, तो इट मेक्स इट मोर प्रोमिनेंट. और जो डॉर्सल के नीचे वेंट्रल लोब है वो इतना छोटा सा होता है और उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं है, तो वो एज गुड एज नहीं होने के बराबर ही होता है. द थर्ड टाइप ऑफ कॉडल फिन इज हाइपो सर्कल. हाइपो सर्कल मीन्स इट इज़ ऑपोजिट ऑफ हीट्रो सर्कल. ऑपोजिट क्यों, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि डॉर्सल लोब प्रोमिनेंट है, यहाँ पे जो वेंट्रल लोब है दैट इज़ प्रोमिनेंट एंड डॉर्सल लोब जो है दैट इज़ वेरी इंडिस्टिंग्विश्ड या फिर बिल्कुल मिनिसिक्यूल टाइप होता है. तो ये ऑपोजिट ऑफ हीट्रो सर्कल है. ये फ्लाइंग फिशेज में पाया जाता है. अब आप ये सोचेंगे कि फ्लाइंग फिश में क्यों पाया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली फ्लाइंग फिश जो है वो ग्लाइडिंग करती है इन फिन्स के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर इनका वेंट्रल लोब स्ट्रांग नहीं होगा तो ये ग्लाइड नहीं कर पाएगी. अगर यहाँ इसका इसके अंदर हीट्रो सर्कल लोब होता तो क्या होता, डॉर्सल लोब तो बहुत स्ट्रांग और प्रोमिनेंट है और वेंट्रल लोब बिल्कुल बेकार सा है, छोटा सा है, तो ये ग्लाइड करने में इसको हेल्प नहीं करता.
सो यहाँ पर क्या होता है कि जो वेंट्रल लोब है दैट इज मोर प्रोमिनेंट एंड द वर्टिब्रल कॉलम गोज टू द टिप ऑफ द वेंट्रल लोब एंड देयरफॉर ये जो है उन फिशेज में पाया जाता है जो फ्लाइंग फिशेज है फॉर अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फॉर ग्लाइडिंग. तो ये एक स्ट्रॉन्ग लोब होना चाहिए जिसके ऊपर ये बेस कर सके. द फोर्थ टाइप इज होमोसर्कल. होमोसर्कल जो है दैट इज एडवांस्ड एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिश जो हम बचपन में बनाया करते थे उसकी टेल बना के उसको दो भागों में बांट देते थे. तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का लोब है कॉडल फिन का. कॉडल फिन का प्रकार है. यहाँ पे जो दोनों लोब्स हैं दे आर इक्वल. होमोसर्कल मीन्स दे आर इक्वल इन साइज एंड शेप. एडवांस्ड है मोस्ट कॉमन है ज़्यादातर फिशेज में पाया जाता है. एक्सटर्नली सिमेट्रिकल होता है बट इंटरनली इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल. एक्सटर्नली इट अपीयर्स दैट बोथ द लोब्स आर ऑफ इक्वल साइज एंड शेप बट इंटरनली सम मे बी हैविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम अनदर इज नॉट हैविंग इट. और क्योंकि डेफिनेटली वर्टिब्रल कॉलम तो एक ही है तो इट मे गेट इन किसी एक लोब में भी जा सकता है किसी भी लोब में नहीं जा सकता या दोनों लोब्स में तो जा नहीं सकता क्योंकि वो डिवाइड तो होगा नहीं. तो ये एक्सटर्नली तो सिमिलर अपीयर होते हैं पर इंटरनली ये सिमिलर नहीं होते. ओके सो दिस इज अबाउट दी फिन्स विच आर फाउंड इन फिशेज. इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है मैक्सिमम 5 मार्क्स का आ सकता है. तो दिस मच अमाउंट इज आई थिंक सफिशियंट फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन. ओके थैंक यू.